हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाले 23rd IPL के मैच का। तो अब किस तरीके से मैसेज हो सकता है दोनों को, जो हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं। देखो, अगर हम लोग दोनों टीमों की बात करते हैं तो देखोगे दोनों टीमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक, और जिस तरह का इनका सीनरियो रहा है, जिस तरह का दौर रहा है, दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और पिछले साल आपको पता है कि दोनों टीमें जो है वो गुजरात फाइनलिस्ट रहा है और राजस्थान जो है वो रनर अप रहा है, और दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन किया। और किस तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है, तो ये जो होगा ना उसके बाद से पहला टक्कर जो है इनका देखने को मिलेगा। तो क्या इसका जो है ये आप देखोगे कि एक गुस्सा जो है वो दोनों टीमों में रहेगा, गुजरात को जो है वो डोमिनेट करने का और राजस्थान को जो है वो आपको कैसा तो एक जो है उसका बदला लेने का। क्योंकि लास्ट एडिशन में ना दोनों टीमें 3 बार टकराई थी, फाइनल को मिला के 3 बार टकराई थी, और तीनों बार जो है वो गुजरात जीता। तो अब अभी से समझ सकते हो कि राजस्थान के लिए जो कितना खुन्नस की बात होगी कि ये 3 बार जो है वो खेले। एक तो जो है वो प्ले ऑफ में क्वालिफायर जो लीग मैचेस होता है, लीग मैचेस में राजस्थान को हरा दिया, उसके बाद जो है क्वालिफायर मैचेस था, क्वालिफायर में हरा के फाइनल में चला गया, और उसके बाद फाइनल भी जो है वो हरा के गुजरात जो है जीत गया। तो राजस्थान के लिए बहुत ही खुन्नस की बात होगी। ये इकलौता टीम है जिसे जो है राजस्थान अभी डोमिनेट नहीं किया है, तो उसको हम लोग जो है देखेंगे। और ये मैच आपको संडे को यानी कि 16 अप्रैल को, और टाइमिंग जो होगा वो 7:30 नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, कि दो डबल हेडर मैचेज होगा। उसका दूसरा मैच जो आपको देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा आपको गुजरात को, यानी कि गुजरात का जो होम ग्राउंड है अहमदाबाद, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से मैसेज हो सकता है ये आप समझ चुके हो, क्या क्या बदलाव दोनों टीमें करेंगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जो है वो जुड़ सकते हो, वहाँ से जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप जो है विनर सेशन इंटरव्यू का प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हो और चाहते हो कि बहुत इससे आप प्रॉफिट उठा सकते हो, जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल मीडिया सर्च करके, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और साथ में आप फैंटासी लीग के लिए जो है वो स्क्वाडिंग 11 पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे जो है आपको ड्रीम 11 से रिलेटेड अपडेट न्यूज सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। और इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस ग्राउंड के बारे में। तो ग्राउंड को आप देखोगे तो लास्ट मैच जब इस ग्राउंड पे हुआ था तो हमने देखने को मिला था कि यहाँ पे जो है काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली जो है मैसेज देखने को मिल रहे हैं। दो मैसेज हुआ है और दोनों जो है काफ़ी एक बैटिंग फ्रेंडली मैसेज जो है देखने को मिल रहे हैं, दोनों काफ़ी हाई स्कोरिंग मैसेज देखने को मिल रहे हैं। और इवन लास्ट मैच तो बहुत ही ईजी तरीके से जो है वो चेस हो गया, ओपन 200 का टारगेट चेस हो जाना, वो भी यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे चेस होना। तो यहाँ पे जो है ये रखता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग पे जो है पीछे बॉल जो है वो आ रही है, बैटिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल है। और खासकर अगर हम बाउंड्री एरिया की बात करें तो बाउंड्री एरिया भी जो बहुत बड़ा नहीं रखा गया है IPL के लिए, जैसे हमने बाकी जो इंटरनेशनल मैचेज यहाँ पे हुआ था उसमें देखा था कि बाउंड्री एरिया काफ़ी बड़े रखे जा रहे थे। लेकिन अभी बाउंड्री एरिया देखोगे तो 58 मीटर 56 मीटर भी था एक, और उसके अलावा भी देखोगे तो फिट जो हाइएस्ट था लॉन्गेस्ट था वो 64 या 66 के आसपास जो है वो इतना लंबा था। तो बहुत ही बड़े बाउंड नहीं रखे जाते हैं, जो नॉर्मल साइज़ है बाउंड्रीज का वही साइज़ जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा पिच पे बाउंस बहुत बढ़िया से मिल रहा है, और साथ में स्पिनर्स को भी जो है वो काफ़ी अच्छा मदद मिल रहा है। इवन जो है स्पिनर को हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा मदद मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। तो ऐसा क्या है कि फास्ट बॉलर पर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रन बन रहा है, तो फास्ट बॉलर पर यहाँ पे ज़्यादा रन बनने का सिर्फ एक रीज़न है कि वो जो है ना फास्ट बॉलर के साथ जो स्पीड है बॉल में वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है बल्ले पर, जिसके चलते जो है रन ज़्यादा बन रहा है। और ये चीज़ हमने कल जो है कोलकाता ग्राउंड में भी देखा कि जो फास्ट बॉलर थे वहाँ पे 10 रन 15 रन 20 रन एक ओवर में बन रहा था, लेकिन जो स्पिनर आ रहे थे 6 रन 7 रन दे रहे थे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी स्पीड से बॉलिंग करेगा, काफ़ी स्पीड के साथ बॉलिंग करेगा, वो यहाँ पे मार खाएगा, और जो थोड़ा सा जो है उस स्लो पेस के साथ आएगा वो जो है यहाँ पे मदद ले सकता है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा पिच जो आपको देखने को मिलेगा। और ऑन एवरेज आप कितना रन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऑन एवरेज हम लोग 180-190 के आसपास रन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस ग्राउंड पे बनते हुए नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो लास्ट यहाँ पे मैसेज हुए हैं, लास्ट मैच इंक्लूड करके टोटल यहाँ पे 21 मैसेज हो चुका है, और इन 21 मैसेज में से 8 जो है वो फर्स्ट मैच जीता है और 12 जो है वो सेकेंड मैच जीता है। और यहाँ पे फर्स्ट मैच एवरेज देखोगे तो आपको जो है 161 देखने को मिलेगा, तो इससे जो है ऊपर ही रन रहेगा। ये जो है अनुमान में लगाकर चलिए कि दोनों टीमें जिस तरह का पावर प्ले लेके आती है, हालांकि राजस्थान का बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है, गुजरात का बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है, तो ये देखना होगा कि क्या ये एक दूसरे के खिलाफ इतना रन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। लेकिन जिस तरह का इनका सिनेरियो है, आप देखोगे जो इनका बैटिंग टेम्पलेट है उसमें जो है काफ़ी रन बनने के चांसेस जो दोनों टीमें अपने पास जो रख ली है, रखती है कैपेबिलिटी की ये बना सकती है। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे इन 21 मैचेस का आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 150 से नीचे 6 स्कोर बना है, और 150 से 70 के बीच में आपको देखने को मिलेगा 6 स्कोर बना है, 170 से 90 के बीच में 6 स्कोर बना है, और 190 से ऊपर देखोगे तो आपको 3 स्कोर जो है देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट मैच का स्कोर भी जो इसी एरिया के आसपास है। तो अब जो हम लोग स्कोर एक्सपेक्ट कर सकेंगे वो 170 से लेकर 180 के बीच का जो है वो स्कोर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों के बीच में, जब मैसेज होगा कि वहाँ तक जो है आपको यहाँ पर रन बनते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार टीम न्यूज़ की, तो टीम न्यूज़ में देखोगे तो अगर राजस्थान की बात करते हैं तो संजू जो है लीड करने वाले हैं,
ट्रेंट बोल्ट जो है वो लास्ट मैच में नहीं थे, तो ट्रेंट बोल्ट को जो है ये लोग ला सकते हैं। और इसके अलावा गुजरात की तरफ से बात करें तो हार्दिक पांड्या जो है लीड करने वाले हैं, हालांकि बॉलिंग जो है ये नहीं कर रहे हमें के लिए, अगर ये बॉलिंग करते हैं तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर जो हो जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है टीम काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाएगा अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे तो, हालांकि बॉलिंग ऑप्शन के पास बहुत ज़्यादा है। इसे अगर बात करते हैं कि अगर चेंजेस की तो ये कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं करने वाले हैं अभी के लिए, क्योंकि जो प्लेइंग इलेवन है वो इंटैक्ट है और वो प्लेइंग इलेवन जो है पिछले साल से जो है वो चला रहे हैं और उसी हिसाब जो है खेलने वाले हैं। एका दुका इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चेंजेस आपको जरूर कुछ देखने को मिल सकता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर प्लेइंग इलेवन का, तो प्लेइंग इलेवन देखो राजस्थान की तरफ से अगर देखा जाए ना तो इसके जो टॉप थ्री हैं वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। टॉप थ्री में जायसवाल, बटलर और संजू। संजू गहलोत लास्ट मैच में जो है वो रन नहीं बना पाए, पहले बॉल पर जो आउट हो गए थे। ये जनरल पेडिकल का जो है वो देखोगे तो पिछले अगर दिन के कुछ मैच एनालिसिस करो तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। लास्ट मैच में हेडमायर का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। ध्रुव जीवन की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस जो है लास्ट मैच में अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। रविचंद्रन अश्विन की बात करते हैं लास्ट मैच में थोड़ा सा जल्दी आए थे लेकिन रन जो है काफ़ी अच्छा बना के गए। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हमने संदीप शर्मा को बॉलिंग जो है लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा दिखा। इसके बाद जो है चहल का बॉलिंग काफ़ी अच्छा है और इसके बाद जंपा का बॉलिंग भी जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर ट्रेंड बोल्ट आएंगे तो जंपा जो है वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे गुजरात तरफ से, गुजरात तरफ से साहा का जो है वो किमी रोल है, तो फिर किमी रोल के लिए आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। किमी रोल की ये 20-22 बॉल खेलने बहुत ज़्यादा है और ये 10-15 बॉल जो खेलते हैं, 10-15 बॉल में 20-25 रन जो है वो दे के चले जाते हैं। इस तरह सुमन गिल का फॉर्म जो है बहुत अच्छे चल रहा है, साई सुदर्शन का फॉर्म बहुत अच्छे चल रहा है, तो ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आपको जो है इन पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छे इनका फॉर्म है। इसके अलावा जो है डेविड मिलर का फॉर्म जो है काफ़ी बढ़िया चल रहा है अभी के सीनरी में, और राहुल तेवतिया का जो है केमियर रोल है, बॉलिंग भी नहीं कर रहे और एक केमियर रोल के लिए जो है पिक नहीं कर सकते। इसके अलावा राशिद खान का फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जडेजा जैसव का फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है और शमी का फॉर्म भी जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में देखा मोहित शर्मा का फॉर्म भी जो काफ़ी अच्छा देखने को मिला और जसवा लिटिल खाना की एवरेज रन जो है थोड़ा सा ज़्यादा था, एक विकेट जरूर मिला था लेकिन मार जो इनका जरूर पड़ रहा है जसवा लिटिल को, तो ये चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट मैचेस के इनके, तो राजस्थान के अगर रिसेंट चार मैचेस देखते हैं जो इस सीजन में अभी हुए हैं तो उनमें से देखोगे तो ये जो है तीन मैचेस जीते हैं और एक मैचेस जो हारे थे ये हारे थे पंजाब से, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बाकी जो ये मैचेस है हैदराबाद से जीते हैं, उसके बाद दिल्ली से जीते हैं, उसके बाद जो है चेन्नई से जीते हैं। और गुजरात की बात करते हैं गुजरात जो है यहाँ पर चेन्नई से जीता है, उसके बाद दिल्ली से जीता है, कोलकाता से जो है एक मैसेज है ये हारा है जो कि इसी ग्राउंड पे चेस हुआ था 200 रन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पंजाब से जो है 6 विकेट से जीत के आ रहे हैं, तो इस नज़र से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लास्ट जो इनके चार मैसेज हुए उनमें से तीन मैसेज है दोनों टीमें जीती है और बहुत ही अच्छे जो है फॉर्म में है ये दोनों टीमें, तो ऐसे टीमें जब खेलती है तो एक अच्छा सा जो है आपको इम्पैक्ट दे देगी, एक अच्छा सा जो है मैच आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टीम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट अगर हेड टू हेड की बात करते हैं तो आप देखोगे जो लास्ट तीन मैसेज हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में, उसमें से तीन के तीन जो है गुजरात जीता है और कोई भी जो है राजस्थान में मैसेज नहीं जीता है, तो राजस्थान के लिए काफ़ी खुन्नस जरूर होगा कि वो जो है वो चाहते होंगे कि गुजरात को जरूर एक बार जरूर हारा है। और ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्हीं छुट्टी का दम जो है जरूर लगाएगा राजस्थान इस मैच में। इसके अलावा बात करते हैं टीम का, तो टीम में देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी टीम सिलेक्शन है हम लोगों का उसके हिसाब से आप देखोगे तो देखो यहाँ पर जिस तरह का ग्राउंड है 200 रन भी बन सकता है और इवन 180-160 के आसपास चल सकता है, तो उसके हिसाब से हमें बैट्समैन जो है ज़्यादा पिक करना पड़ेंगे। और जिस टीम देखो हमने बटलर को लिया है, संजू को लिया है, इसने बाद साहा को लिया है, और यहाँ पे देखोगे तो हमने जो है या एक तरफ से बटलर को लिया है, एक तरफ साहा को लिया है। साहा को हमने एक केमियो के रूल में ले रहे हैं, आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, इंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हमने यहाँ पर बैटर में, बैटर में गिल का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, जायसवाल का फॉर्म अच्छा है, साई सुदर्शन का फॉर्म अच्छा है, इसलिए हेडमैन का फॉर्म भी जो है अच्छा है, तो ये चारों जो है हमने यहाँ पे पिक कर रखा है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे बैटर में, तो हमने गिल को लिया है और जायसवाल को लिया है और सुदर्शन को लिया है, जिसके तीनों जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और कंटिन्यूस हर मैच इनका परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में हमने एक तरफ जो है आर अश्विन को लिया है जिसका फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बॉलिंग में जिस तरह का ए पी सी बिहेव कर रहा है एक बेनिफिट मिल सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। इसके अलावा हमने एक तरफ जो है विजय शंकर को लिया है और एक तरफ हार्दिक पांड्या को लिया है। अगर देखो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को ले रहे हो तो ऑफकोर्स कैप्टन है, खेलेंगे, कुछ विकेट भी दे सकते हैं, कुछ रन भी दे सकते हैं बॉलिंग करेंगे तो, लेकिन विजय शंकर का चार्म यही है कि अगर मान लो जैसे गुजरात पहले बैटिंग कर रहा है और अच्छा बैटिंग कर लिया तो विजय शंकर की बैटिंग आएगी नहीं, बॉलिंग ऐसे करते भी नहीं है, तो ऐसे सीनरी में जो है आप चाहो तो ले भी सकते हो, चाहो भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये ना बैटिंग करने ना बॉलिंग करने ये बेस्ट प्लेयर के रूज में यूज ही नहीं हुए तो वैसे सीनरी में जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे सीनरी में आप चाहो तो यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हो। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में हमने एक तरफ राशिद खान को लिया, एक तरफ चहल को लिया है, जिस तरह का पिच है हमने यहाँ पे देखा है कि अश्विनों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे हमने जो है वो शमी और एजरी जो सब को भी जो है शामिल कर लिया है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हमें एक अच्छा सा जो है इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे सीनरी में आपको एक काम और करना है कि अगर आप शमी और एजरी जो सब को ले रहे हो
तो आप जायसवाल और बटलर को भी हटा देना है। इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर देखो शमी और रजनी जैसा अगर ओपनिंग बॉलिंग करने आएंगे तो आपको अगर विकेट हमें चाहिए तो इन दोनों बैट्समैन को जो हमें हटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको हटा के जो है आप या तो हेडमैन को ले सकते हो या फिर डेविड पार्टिकन को जो है पिक कर सकते हो कि इस पे जो आपको यहाँ पर टीम बना के चलना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हैं कि विनर सेशन इंडिया में बहुत हिस्से से प्रॉफिट उठा सको तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको इसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, कॉल पर सर्च करके। और ड्रीम इलेवन के लिए जो है आप स्क्वाडिंग इलेवन टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको ड्रीम इलेवन से रिलेटेड टीम और जो भी यहाँ पर अपडेट है न्यूज़ है वो सब कुछ जो है आपको आ जाता है। तो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन क्लिक करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।